इस क्यूट से स्टिकर को देख के आप भी धोखा खा गए ना कि ये मैंने रेडीमेड मंगाया है। जी नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। चलिए तो देखते हैं मैंने आज ये कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक रेफरेंशियल फ़ोटो लिया फेसबुक से, जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, रफली स्केच कर लिया है। उसके बाद मैंने इस रफली स्केच को फेयर करने के बाद इस पे कलर करना स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं, इसे करने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि कुकिंग के साथ साथ ड्राइंग भी मेरी फर्स्ट हॉबी है। ड्राइंग तो शायद कुकिंग से भी ज़्यादा मुझे पसंद है। और अगर आपको भी ऐसा कुछ बनाना पसंद है तो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, ताकि मुझे अच्छे व्यूज़ मिल सके, आपका प्यार मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। एक लाइक से क्या जाता है आपका, लेकिन हमें तो लाइक से ही सपोर्ट मिलता है। तो ये देखिए कितने इजीली यहाँ पर बन गया था। इसके लिए हाँ, मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए थे। आप चाहें तो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्रेलिक कलर जो होते हैं उनमें शाइन बहुत अच्छी होती है, प्लस वो स्टे बहुत अच्छा करते हैं, वाटर प्रूफ भी होते हैं। इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं यहाँ पर। तो उसको मैंने जहाँ ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैंने अच्छे से पेंट कर लिया। पेंट करने के बाद जब वो पेंट सूख गया तो मैंने इरेजर जहाँ रह गई थी, इरेजर जहाँ जहाँ पेंसिल के मार्क थे, उसको भी अच्छे से डस्ट आउट कर दिया था, उसे भी अच्छे से मिटा दिया था। इस तरीके से जो ये मेरी क्यूट मिनी माउस एंड मिकी माउस की पेंटिंग है, या आप कह सकते हैं वॉल स्टिकर है, वो बनके बहुत इजीली तैयार हो गया। तो आप भी मुझे बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी तरीके से मोर फन एंड आर्ट एक्टिविटीज़ देखने के लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुकिंग वीडियो तो मेरे चैनल पर हैं ही, उनको भी आप देखते रहिए और अपना सपोर्ट मुझे यूँ ही देते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।